दूध, चीनी, चावल। और सीझा दिए हैं। अच्छा ग्रैंड हो गया ये, थोड़ा थोड़ा करके ग्रैंड। या फिर इसको ये भी कर सकते हैं ना, लोढ़ी सिलट से भी कर सकते हैं, जिसके घर में नहीं है वो। गांव में दीपावली में ये सब पकवान नहीं बने तो मजा ही नहीं आता, बट गांव में नहीं है फिलहाल। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। एंड आज कौन सा पूजा है? काली ना, आज काली पूजा है हम लोग तरफ। पता नहीं गांव तरफ होता है, टाउन में सिर्फ दीपावली मनाता है कि क्या पता नहीं। और आज के दिन हम लोग के यहाँ बहुत सारा पकवान बनता है। आज तो बलि भी होता है, बट हम लोग छठ करते हैं तो नहीं हो सकता है, तो उसके जगह पे मीठा कुछ बना सकते हैं बिना लहसुन प्याज का, ये सब चल सकता है। एंड हाँ, जो जो आज मीट खाते होंगे उसके लिए फैक्ट बताते हैं, इसको खाइए और पचा लीजिए। देसी जुगाड़ एकदम मस्त। मुरली, आज हम लोग बना रहे हैं दूध पीठा। नल बंद करिए। अरे दूध दूध पीठा, इसको दूधोरी बोलते हैं, दूध पीठा बोल सकते हैं, पता नहीं क्या क्या बहुत सारा नाम होता है। तो वो बना रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है खा, मतलब माइंड ब्लोइंग। दादी, जब मेरी दादी थी जिंदा, अभी तो वो इस दुनिया में नहीं रही, उस टाइम वो हमेशा बना के देती थी। इतना मजा आता था ना खाने में, मुंह में घुल जाता है एकदम। तो बना रहे हैं, चलिए आप लोगों को रेसिपी बताते हैं और आगे दिखाते हैं कैसे बनता है नहीं बनता है। सो आप लोग भी बनाइए, खाइए और मस्त इंजॉय करिए एकदम। सारा चावल ग्राइंड हो चुका है, ग्राइंड कर सकते हैं, हाथ में भी दबा देने से हो जाएगा। हाथ में भी दबा दीजिए, या तो हाथ में नहीं दबा सकते ज्यादा अगर टाइट है चावल तो, थोड़ा थोड़ा मतलब लोड़ी सिलट जो गाँव में मिलता है उससे भी कर दीजिए। मिक्सी नहीं है तो लास्ट ऑप्शन मिक्सी है, अगर मिक्सी है तो मिक्सी में करिए। देसी घी है, झूठ बोलिएगा, रिफाइंड डाले हैं आप, रिफाइंड देसी घी, जिससे आप बना सकें, जिससे आप कर सकते हैं। आप रिफाइंड हाथ में लेके डाल बनाइएगा, ताकि हाथ में चिपके ना, क्योंकि वो पूरा मतलब लचीला हो जाता है ना, तो हाथ में नहीं चिपके इसके लिए। एंड इधर कढ़ाई बैठ गया है फ्राई होने के लिए, कर ऐसे करना, ऐसे गोल गोल, हाथ से गोल नहीं, क्या बोल देंगे इसको, लंबा आकार में गुलाब जामुन। गुलाब जामुन लग बनाना है, लंबा वाला लेमचा। ऐसे बना लीजिए हाथ में ये लेके। अब इधर हम फ्राई करने के लिए बैठ गए, हम निकालेंगे फ्राई कर करके, देखते हैं बना के, मतलब बना के क्या टेस्ट अच्छा ही बनेगा, पता है आपको। बना कौन रहा है? हम इसीलिए हम बना रहे ना, तुमसे कहाँ हो पाएगा ऐसा क्या बोलते हैं। दोनों बना रहे हैं, पति पत्नी मिलके तो ज्यादा अच्छा बनेगा, टेस्टी। मतलब और जब चावल को आप पकाइएगा तो आधा केजी, 1 केजी दूध में आधा केजी चावल डालिएगा, तो अच्छा से मतलब थोड़ा पक जाएगा। बाकी अगर दूध कम हो तो पानी भी थोड़ा मिला सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दूध का बनाइएगा तो थोड़ा सा और ज़्यादा टेस्ट आएगा। क्या है गरम, तो पहले थोड़ा सा अग्नि देव को चूल्हा महाराज के लिए, चूल्हा के लिए डालते हैं इसको, कि अग्निदेवता है के लिए अग्नि देवता। इसको दादी बोलती थी क्या, बूढ़ी रोटी, बूढ़ी रोटी डालो पहले, बूढ़ी रोटी हम लोग को खाने में नहीं देती थी वाला, तो बूढ़ी रोटी डाल दी है।
जब भी इसको पकाएं आप कम आंच में पकाएं ताकि अच्छा से पके अंदर तक। एक बार पका दो ऊपर तो कुछ खटा जाएगा। नहीं खटेगा, देखो नहीं खटेगा, देखिए ना। ये हो गया है, पक चुका है, देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा लग रहा है ना। ओ माय गॉड, दूध गिरा। तो इधर से फाइनली मेरा बेटा स्कूल से आ गया है। हाय बोलो, हेलो करो। फाइनली मेरा क्या दूध पीठा बन के कंप्लीट हो गया। देखिए उधर, इधर थोड़ा सा बचा हुआ है। तो इतना मेहनत से बना है तो खाना तो बनता है, टेस्ट करना बनता है। बहुत 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 मजा है। एंड हाँ, इसको मतलब थोड़ा रख के खाइए, मतलब सुबह खाइए, रात बनाइए सुबह खाइए, इसका टेस्ट और थोड़ा सा बढ़ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और ठंडी में तो ख़राब नहीं होता है, एक दो दिन तक ख़राब नहीं हुआ। बाबू भी खा रहा था। होप आप लोग को मेरा ये झारखंड का सोहराई पर्व का मिठाई अच्छा लगा होगा। रेसिपी तो आप लोग ट्राई करिएगा, बनाइए, खाइए। एंड हाँ, जो भी मेरे चैनल में नए आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं एंड लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।